अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। अल्लाह आपको, हमको, हम तमाम लोगों को अच्छा रखे, हम सब के जायज़ तमन्नाएं पूरी करे। जो लड़के लड़कियों के रिश्ते होना है, अल्लाह ताला उनको गैब से, उनके जोड़े से उनको मिला दे। जो बे औलाद है, अल्लाह ताला सिरात अल मुस्तकीम पे, ईमान पे चलने वाली, दिल को सुकून देने वाली औलाद अता करे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डोंडे की चटनी। मैं इसको रमज़ान स्पेशलिज बोलूँगी। आप ये सहरी में भी खा सकते हैं, साइड डिश के जैसी रहती है, मगर खाना बहुत टेस्टी दिखता। तो उसके लिए ऑयल ही मैं 1 टेबल स्पून, पहले ऑयल गरम कर लेना है, ज़ीरा डाल देना है, 1/4 टीस्पून ज़ीरा। अब इसमें कलर चेंज हो गया, ऑयल गरम करके गैस बंद कर देना है। अब इसमें डालूँगी मैं 200 ग्राम डोंडे। डोंडे लाल वाले नहीं लेना है, कौले ऐसे, मतलब कच्चे कच्चे लेना है। और आप लोग गुड़मे की चटनी बताओ बोल रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। ये डोंडों की चटनी बहुत मज़े की रहती है। जिसको ब्लड की कमी है ना, तो लोग चटनी बना के रखिए। कच्चे डोंडे भी खाने के साथ खा सकते हो, या हल्का सा फ्राई, कच्चा पक्का रख के खाना है इसको। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, और ये है इमली, टैमरिन, लेमन साइज लेना है, बड़ा वाला लेमन साइज ले लेके इसको पानी में सोक कर देना है 1 घंटे के लिए। इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल दी, तो इमली अच्छी पेस्ट की वजह से बनी। इसको ग्राइंडिंग करना है आपको। 4 से 5 लहसुन की कलियां डाल देंगे इसमें, 6-7 भी हो सकते हैं, गिनी नहीं मैं। अपन जो घर में अदरक लहसुन भी पीसते ना, ये जो छोटा वाला लहसुन आता वो, उससे सालन बिरयानी जो बनाए अच्छी बनती। अब इसमें 3 हरी मिर्ची तोड़ के डाल दी मैं, और जो स्पाइसी खाते हैं नमक मिर्ची अपने हिसाब से रखिए। 8 दिन रहेंगी, और कांच के कंटेनर में रखना है, सिल्वर और स्टील में नहीं रखना है, और प्लास्टिक में भी नहीं रखना है। अगर कांच का कंटेनर नहीं है तो फिर भी स्टील में रखिए। फिर जब स्पून से निकालेंगे आप, अलग से स्पून यूज़ करना, सालन का उसका नहीं करना। 1 कोथमीर का कट्टा समझिए आप, बड़ा वाला। 4 पुदीने के पत्ते हैं, वॉश करी तो मिक्स हो गया। 2 टीस्पून तिल, सेसमी सीड जो बोलते हैं ना वो, और ये जो घर की जो अपनी देसी तिल है ना, देसी तिल है ये, वॉश करी हुई, ग्राइंड करी हुई रहती मेरे पास, वॉश करना, रोस्टेड तिल का पाउडर है ये। अब यहाँ गैस बंद कर देना है, और नैलॉन तिल आती वाइट कलर वाली, वो यूज मत करिए, उतना टेस्ट नहीं रहता उसमें। अपने देसी हैदराबादी खानों में वो तिल में टेस्ट नहीं रहता, थोड़ी फिक्की फिक्की टाइप की रहती वो। और ये टैमरिन डाल दी मैं, ये पानी रख ली, ग्राइंड करते वक्त लगा तो डालूंगी मैं, स्मेल बहुत अच्छी आती है इसकी। गैस बंद है, अब इसको 15 मिनट्स रख दूंगी, फिर ग्राइंड करूंगी। ये चटनी ग्राइंड होके तैयार हो गई डोंडों की। अब बघार की तैयारी करेंगे। 1 टेबल स्पून उतना ऑयल ली मैं, अब इसमें 1/4 टीस्पून ऑयल जीरा नहीं करना है, और एकदम सिम के ऊपर है, बॉइल रख के करेंगे तो राई कड़वी हो जाती है, तो चटनी का मज़ा कड़वा हो जाता। थोड़ा सब्र से करना चटनी में, जब राई गर्म होने आती, जब 2 ड्राई चिलीज डालेंगे, रेड वाले, सूखी मिर्ची, चलाना नहीं है, इसमें लाना है राई। गैस बंद कर दूंगी मैं, अच्छे से चटकी। अब गैस गर्म है ना भी, तो ऐसे रखना थोड़ी देर। करी पत्ते 8 से 10 थोड़ी नहीं है इसको, ये फ्लेम पे से हटा देना। अब इधर डालेंगे, और मैं इसका होल होल डाल के रखी, क्योंकि बघार अंदर जाना बोल के। करी पत्ता जलाना नहीं, पानी जो 1 टेबल स्पून ना इमली जो भिगाई थी मैं टैमरिन, वो पानी डाल के पीसी में, और एक्स्ट्रा पानी नहीं लगा। डोंडे की चटनी बन के तैयार है। चावल से भी अच्छी दिखती, रोटी से भी अच्छी दिखती, इसके साथ कटलीस बहुत अच्छे दिखते, शामी अच्छे दिखते, काली मिर्ची का गोश्त बहुत अच्छा दिखता, लाल मिर्ची का भी अच्छा लगता। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।